चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया। चंद्रशेखर बेहद कम उम्र में देश की आजादी की लड़ाई का हिस्सा बने थे। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। आज हम शहीद चंद्रशेखर आजाद के अनमोल विचारों के बारे में जानेंगे। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। सूरज पश्चिम में निकल सकता है, पर ये आजाद अपने देश को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता है। किसी क्रांतिकारी का सबसे बड़ा हथियार नहीं होती है, क्रांतिकारी विचारों से बनते हैं, जो आते हैं नैतिकता से, सत्य प्रेम से और किताबों से। देश अगर हाथ जोड़ने से आजाद हो जाता तो यह जान ले भारत कभी गुलाम नहीं होता। खैरात में मिली खुशी हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम अपने गमों में भी जीते हैं नवाब की तरह। जीवित रहते मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करता रहूंगा। किसी भी क्षण में मातृभूमि की खातिर अपने प्राण न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटूंगा। किसी भी भारतवासी के जख्म का बदला हजारों जख्मों से लिया जाएगा, यह चेतावनी नहीं घोषणा है। जो दुश्मन हमारे धन संपदा और संस्कृति को लूट रहे हैं, उन्हें लूटना और उनसे अपने धन संपदा की रक्षा करना कोई गुनाह नहीं है। अगर आपके लहू में रोष नहीं है तो यह पानी है जो आपकी रगों में बह रहा है। ऐसी जवानी का क्या मतलब अगर वह मातृभूमि के काम ना आए। मातृभूमि की इस दुर्दशा को देखकर जो तुम चुप बैठे रहे तो तुम्हारा मान सम्मान और स्वाभिमान दुश्मनों के अधीन है। दूसरे अपने से बेहतर कर रहे हैं, यह नहीं देखना चाहिए। हर दिन अपने ही नए कीर्तिमान स्थापित करने चाहिए, क्योंकि लड़ाई खुद से होती है, दूसरों से नहीं। मैं ऐसे धर्म और संस्कार का पालन करता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा दिखाता है। गालों पर थप्पड़ खाने से स्वतंत्रता नहीं मिलती, गोलियां मारनी पड़ती है दुश्मनों को। मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है और मेरा घर जेलखाना है। सच्चा धर्म वही है जो स्वतंत्रता को परम मूल्य की तरह स्थापित करे। देश मेरा गुलाम नहीं है, लोगों की सोच गुलाम है। जो युवा अपनी मातृभूमि की खातिर संघर्ष नहीं कर सकते, वह अपनी जननी की खातिर समर्पित नहीं हो सकते। मैं जीवन की अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ता रहूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं करूंगा। अगर इश्क करना ही है तो वतन से करो, मरना ही है तो वतन की खातिर मारो। आज का युवा संगठित हो रहा है, यह मेरा देश की शक्ति का संगठन है। मेरा यह छोटा सा संघर्ष ही कल के लिए महान बन जाएगा। मौत तो एक दिन सबको आनी है, कुछ लोग डर डर के जीते हैं, कुछ लोग मर कर भी अमर हो जाते हैं। भले ही मेरा प्रारंभिक जीवन आदिवासी इलाके में बिता है, लेकिन मेरे दिल में मातृभूमि ही बसती है। शत्रु के साथ कैसी नम्रता, हमारी नम्रता का ही फल है। आज हमारी मातृभूमि संकट में है। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।